शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चार दिन की छठ पूजा है और तुम्हारा व्रत है जी। सब कुछ बिना गलती से होना चाहिए। अगर व्रत टूटा तो तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दोगी। मंजूर है, आपके आगे सर चुका के आपका सारा दिया सामान लौटा रहे ताऊ जी। हमने तुमसे कहा था ना, हमारी श्रवणी बिटिया बहुत समझदार है। हमको समझे नहीं। अरे तुम्हें तो फोन किया था हमको। बड़के ठाकुर, ये हमारा नंबर नहीं है। फिर हमको फोन किसने किया? हमें लगता है ये ताई जी ने किया। तरकीब अच्छी है। मतलब ये लौकियां? श्रवणी को तो लौकियों से जन्मजात दुश्मनी है ना, और लौकियां खाने से ही तबीयत बिगड़ जाती है। आपने इतनी सारी लौकियां इकट्ठी करके रखी है, आप तो अकेली नहीं खाने वाली। तो श्रवणी भी कल व्रत रखने वाली है ना। आपकी इन छोटी छोटी करतूतों से ना उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आपने पापा को जो कॉल करवाए थे ना मजनू की आवाज में, कुछ नहीं हुआ। और सामान भिजवाकर जो आग लगाने वाली थी उसमें भी कुछ नहीं हुआ। श्रवणी खुद आकर सारा सामान वापस करके गई। और लड़ाई तो दूर की बात है, छोटा सा झगड़ा भी नहीं हुआ। अब लौकियों से क्या तीर मार लोगी आप? बवाल नहीं हुआ तो अब होगा। उस घर में वो दादी है ना, सबसे कमजोर कड़ी है। सामान देखकर वैसे ही उसे बहुत बेइज्जती महसूस करवा दिया हमने, और पट्टी भी पढ़ा दी कि अगर श्रवणी आगे बढ़ी तो उसका पोता शिवांश पीछे रह जाएगा, गृहस्थी डोल जाएगी। क्या अब ये लौकी भिजवाओगी? तुमको काहे बताए, अब कल का कार्यक्रम है वो कल ही होगा। बस इतना जान लो कि श्रवणी की पहली छठ पूजा है, पहला व्रत था छठ का, वो तो हम पूरा नहीं होने देंगे। वो लौकी खाकर भी पछताएगी और नहीं खाएगी तो भी पछताएगी। तो कल से चार दिन की छठ पूजा है और तुम्हारा व्रत है। अगर व्रत टूटा तो तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दोगी। ये क्या कर रहे हो? अरे अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हैं। देखिए ना कितनी परेशान लग रही है आप। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस नाजुक से कंधों पर न जाने कितना बोझ है। बोझ नहीं, जिम्मेदारी कहते हैं उसे। बस चिंता हो रही है हमें। कल एग्जाम्स है और कल छठ भी है, सब ठीक होगा कि नहीं। मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी ना? आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छे से होगा। लाखों में एक है हमारी पत्नी, पर आप तो हर काम में सबसे आगे हैं। और छठ पूजा तो परिवार की सुख शांति के लिए होती है ना। देखना बहुत अच्छे से करेंगे आप, और फिर हम भी तो हैं, हम पूरा साथ देंगे आपका। चलिए अब आप पढ़ाई कीजिए। कल एग्जाम है आपका? हाँ, हमें आर्टिकल्स भी पढ़ने। बस लैपटॉप को चार्ज में लगा दी, आप सो जाइए। हम लैपटॉप चार्ज पे लगा दें? ऐसे नहीं, आप सो जाइए, हम कर लेंगे। ठीक है।
पिछली कैसे चली गई? हम पढ़ाई कैसे करेंगे? ये पढ़ाई तुम दोनों की कुशाल गृहस्थी का काल है, इसको तो रोकना ही होगा। हेलो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, देखिए हमारे घर की बिजली चली गई है, क्या अभी आप किसी को भेज सकते हैं? हमारे एग्जाम में हमारा पढ़ना बहुत जरूरी। हेलो 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 भैया, लैपटॉप भी चार्ज नहीं हुआ। शिवांश, ये शिवांश कहाँ चला गया? ये फ्यूज कौन निकाल ले गया बे? हद है, यहां तो कुछ नहीं दिख रहा। ये मोमबत्ती भी नहीं मिल रही है, इतनी रात को किसी को जगा भी नहीं सकते। इसे देंगे परीक्षा भगवान, क्या करें? इस समय नया फ्यूज कहां मिलेगा? बस दो मिनट आके चेक कर लीजिए प्लीज। हेलो भैया, हेलो, रख दीजिए फोन, इस समय कोई नहीं आने वाला। शिवांश, तो अब हम एग्जाम कैसे देंगे अपना? कल एग्जाम है हमारा, और पिछली भी नहीं आ रही है, और हमारा लैपटॉप भी चार्ज नहीं हुआ है। एक मिनट, इसका चार्जर कहाँ है? वो उधर ही पड़ा है। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? लैपटॉप ऑन करिए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये चार्ज कैसे हो रहा है। आवाज सुनिए। हाँ सुनिए ना गौर से, आई आवाज। ये तो बाइक की आवाज है। हाँ, हमने बाइक के बैटरी से तार जोड़ दिया। अब आप अपनी पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। थैंक यू सो मच। सो जाइए, हम पढ़ाई कर लेते हैं। अचानक तुम यहाँ? हम भी छठ पूजा करना चाहते हैं, लेकिन मम्मी ने ना घर पे जो विधि विधान समझा है, इसीलिए हम सोचे कि इस बार अगर तुम्हारे साथ यहीं पर रह के छठ पूजा करें तो। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई, बिल्कुल आओ चलो। वसुधा, अरे वसुधा, लो अम्मा भी आ गई। अम्मा, स्वीटी आई है। नमस्ते। अम्मा, वो स्वीटी भी यहाँ छठ पूजा मनाना चाहती है। वो घर पे कोई है नहीं ना उसे बताने के लिए, क्या वो कुछ दिन रह सकती है यहाँ?
हमारा रास्ता काहे रोकियो? मम्मी भेजिए, कहिए कि हमारी मदद से आपका काम हो जाएगा। काम? हाँ काम, वो काम जो काम आप अकेले नहीं कर सकती। वैसे भी छठ पूजा शुरू हो गई है, आपके काम आ सकते हैं हम। श्रवणी पूरी दिन पढ़ाई में लगी रहेगी, हम आपका सारा काम बना सकते हैं, हमारा मतलब आपके हाथ बटा सकते हैं। लीजिए, मम्मी ने लौकी भेजी है, हमारी खेत की लौकी है। लड़की माँ पे गई है, बहुत ही तेज, दुल्हन से भी तेज है, दुल्हन से भी इसका 36 का आंकड़ा है। दुल्हन की पूजा में विघ्न डालना है तो काम आ सकती है। तुम्हारी बहन है, मना कैसे करे, रह सकती है, लेकिन छठ की पूजा बहुत कठिन होती है, कहीं कोई कमी रह जाए तो उसका परिणाम बड़ा हो सकता है। वसुधा, आज पहला दिन है छठ का, इन दोनों को ठीक से समझाओ हमारे यहाँ पूजा कैसी होती है। देखना काम बनाने की जगह बिगाड़ ना दे। जी अम्मा जी। बेटा आज नहाए खाए है, आज के दिन सबसे पहले हम घर की साफ सफाई करते हैं, उसके बाद कुएं के शुद्ध जल से नहा के खुद को शुद्ध करते हैं। शिबू पानी ले आया कुएं से, तुम दोनों नहा लेना। जी। उसके बाद चावल और लौकी मिला के भात तैयार करते हैं और पूरे दिन वही खा के रहना है, और ध्यान रखना उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा, ठीक है? और हाँ, उसमें नमक भी नहीं पड़ेगा, जरा सा भी नहीं, छूना भी मना है। फिर संध्या को सूर्य भगवान को अर्घ देना है। घबराओ मत, हम हैं ना, सब हो जाएगा। माँ, हम लौकी की जगह कद्दू का भी तो बना सकते हैं ना? तुम्हारे पियर में बनता होगा, हमारे यहाँ तो लौकी भात ही बनता है। जी अम्मा। श्रवणी बेटा, अब जाके नहा धो के पूजा की तैयारी कर लो। स्वीटी, पहले तुम नहा लो, तुम्हें तुम्हारा कमरा बता देते। चलो यहाँ से इधर, ठीक है? ठीक। ठहरो। ये मटकी तुम्हारे छठ पूजन का प्रतीक होगा। जी अम्मा। इधर आओ। जब तक तुम्हारा व्रत अच्छे से चलेगा तब तक ये मटकी लटकी रहेगी। अगर तुमने छठ पूजा में कोई गलती की, ये मटकी खुद अपने हाथों से हम तोड़ देंगे, और उसके साथ ही तुम्हें अपने पढ़ाई लिखाई का सपना भी छोड़ देना होगा, समझी दुल्हन?
लौकी भात बन रहा है। बढ़िया इंतजाम किया है आपने मम्मी। अब क्या करेगी श्रावणी? खाए तो मुश्किल और ना खाए तो भी मुश्किल। ससुराल में पहली छठ पूजा है श्रावणी की। थोड़ी सी भी चूक हुई ना तो मोल चुकाना पड़ेगा। काहे कि दादी तो नहीं छोड़ने वाली। जैसे एग्जाम है उससे पहले सारा काम खत्म करना है। श्रवणी बेटा तुमने अपनी थाली नहीं लगाई? वो माँ लौकी से हमें एलर्जी है, जब भी खाते बहुत बीमार पड़ जाते हैं और आज हमारा एग्जाम है। श्रवणी आपने बताया कहा ही नहीं पहले, कौड़ा बन जाता। कौड़ा कैसे बनता है? इस घर में पुश्तों से जो बनता आ रहा है वही बनेगा। लेकिन अम्मा कुछ और भी तो बन सकता है। कोई बात नहीं, अम्मा ठीक ही तो कह रही है। आज जल ग्रहण करके व्रत रख लो। रख पाओगी ना? नहीं तो बता दो। नहीं अम्मा, हम कर लेंगे। श्रावणी आपकी परीक्षा है आज, कैसे करेंगे आप? कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है, बिना खाए रह लेंगे, हम कर लेंगे। अच्छा आप जाइए कॉलेज, हम सबको खिला के आते हैं। लेकिन श्रावणी आप कुछ तो खा लीजिए। शिवांश प्लीज। अच्छा ठीक है, हम बाहर इंतजार करते हैं। नहीं आप कॉलेज जाइए, हम आते हैं। देखो कॉलेज जाके व्रत तोड़ ना देना, नहीं तो। मटकी का क्या किस्सा है? जिसका डर है श्रवणी को, जरूर अम्मा जी ने श्रवणी को छठ पूजा के लिए धमकाया है। अब तो श्रवणी की छठ पूजा को भंग करना और भी जरूरी हो गया। जी अम्मा। चलो अब पूजा की विधि शुरू करते हैं, सब शुभ शुभ होगा। कहां से शुभ शुभ होगा? कैसी है हमारी माड़न पढ़ी लिखी बहू, हमारे लिए काली साड़ी लेके आई। हम पहले ही बोले थे एक भी गलती की तो पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा देंगे, आज से सब बंद। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।